Like my video, subscribe to my channel and click on the bell icon for more delicious recipes updates. नमस्कार, इवन रेसिपी विद माधुरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तुरे की सब्जी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी है। सुबह के खाने और टिफिन के लिए बहुत ही अच्छी सब्जी है, बहुत ही इजीली और जल्दी बन जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ मैंने दो बड़ी तुरई ली है। तुरई की धारियों को मैंने छील लिया है और इसे धोकर मैंने मीडियम आकार में कट कर लिया है। कढ़ाई को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब इसमें 2 से 2.5 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने दीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छे से चटकने दीजिए। राई हमारी चटकने लगी है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तेल में अच्छी तरह से होने दीजिए। अभी इसमें जो है कुछ मसाले हम तुरई डालने से पहले डालेंगे और कुछ मसाले हम तुरई होने के बाद में डालेंगे। अब इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे। इसमें 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर। अब हम इन सबको अच्छी तरह से तेल में मिला लेंगे और जो तुरई हमने काट के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लीजिए। पूरा मसाला तुरई में अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये मसाला पूरा तुरई में अभी लग चुका है। ये सब्जी अभी दिखने में सूखी सूखी लग रही है, पर जब ये सब्जी बन जाएगी तो इस सब्जी की क्वांटिटी एकदम आधी हो जाएगी। अभी हम इस सब्जी को सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि जो तुरई है वो अपना पानी छोड़ दे। 1 मिनट हो गया है। ये देखिए, तुरई ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमें तुरई की सब्जी को बिना ढके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और बीच बीच में सब्जी को हिलाते रहिए ताकि सब्जी जो है चिपक ना जाए।
ये देखिए तुरई की सब्जी जो है और थोड़ा पानी छोड़ती जा रही है और सॉफ्ट होती जा रही है। इसे हिलाते रहिए। इसे हम और थोड़ी देर पकने देते हैं। ये देखिए तुरई की सब्जी सॉफ्ट हो गई है, इसकी क्वांटिटी एकदम कम हो गई है। ये देखिए तुरई ने तेल भी छोड़ दिया है। इसे अच्छी तरह से चला दीजिए। अब हम इसमें बाकी की चीजें मिला लेते हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको थोड़ा यमी बनाने के लिए इसमें हम किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। अंदाजे से 1/2 चम्मच हम किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सब्जी हो गई है, अब इसमें हरा धनिया डालकर हम सर्व कर लेते हैं। तुरई की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप सुबह के खाने या टिफिन के लिए तैयार कर सकते हैं। ये पूरी और पराठे के साथ और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। देखा इसे बनाना कितना आसान है, तो आप भी इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए तुरई की सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।